स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास खबरें कुछ इस प्रकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर की समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की वर्चुअल मीटिंग हुई। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि शहरी आजीविका मिशन जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, मध्य प्रदेश के नवगठित 29 नगरीय निकायों में विस्तार करने का तय किया गया। वाणिज्य कर विभाग की वार्ड 22 में बालाघाट अम्बेडकर चौक परिसंपत्ति 8,80,11,000 रुपए में 100% राशि जमा करने पर रजिस्ट्री करने का तय किया गया है। इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीचर्स को 7वां वेतनमान। 29 नगरीय निकायों में शहरी आजीविका मिशन। शिवराज कैबिनेट ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में नवगठित 29 नगरीय निकायों में शहरी आजीविका मिशन योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। आज की बैठक में इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ पॉलिटेक्निक के शिक्षक और अन्य स्टाफ को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुशंसित वेतनमान 1 जनवरी 2016 से दिए जाने की अनुशंसा की गई। एमपी में 2-3 दिन राहत के आसार, फिर चढ़ेगा पारा। मध्य प्रदेश में मार्च से ही गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। 3 दिन से गर्म हवाएं चलने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई है। हालांकि 4 और 5 अप्रैल से फिर तापमान में बढ़ोतरी होने की बात कही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कुछ जगह पर लू चलने की संभावना जताई थी, हालांकि इसका असर मंगलवार को कुछ कम दिखा। मौसम विभाग पीके शाह ने बताया कि हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलने से गर्म हवाओं से राहत मिली है। रातापानी में 1.25 महीने में 4 बाघिनों ने जन्मे 8 शावक, देश की पहली सेंचुरी, जहां 45 से ज्यादा बाघ। जंगल से अच्छी खबर आई है। बीते 1.25 महीने में रातापानी सेंचुरी में 4 बाघिनों ने 8 शावकों को जन्म दिया है। सेंचुरी के बीट गार्ड के मुताबिक 3 बाघिनों ने 2-2, एक ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इनमें से एक कमजोर था, जो पिछले दिनों भटककर कोलार फिल्टर प्लांट तक आ गया था। बाद में उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल वन विभाग के ट्रैप कैमरों में अभी 1 बाघिन और 2 शावकों की तस्वीर कैप्चर हुई है। 3 अन्य की लोकेशन तलाशने के लिए 20 जगह 80 ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।